अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वाजिद खान और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ हूं एसएल बेसिक्स के मेकअप के साथ। और जो लोग कहते हैं कि हम पे मेकअप नहीं अच्छा लगता और जो लोग कहते हैं कि हमें मेकअप करना नहीं आता, सो ये मेकअप ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है। और आज हमने जिनके साथ हम ये मेकअप का लुक करने चाह रहे हैं उनको बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। सो हमारे साथ हैं शहजीन, एज यू कैन सी हाय। सो शहजीन हरसन वेरी प्रिटी बट बोलती मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे मेकअप नहीं करना है। लेकिन जो लोग बोलते हैं मेकअप नहीं करना है और मेकअप करना भी चाहते हैं तो उनके लिए ये ट्यूटोरियल है। तो हम आज एसएल बेसिक जितने भी फाउंडेशन पढ़े हैं 6 शेड हैं, 6 के 6 लगा देंगे। आप रेडी? 6 के 6 लगा, नहीं आप ऐसा 6 के एक लगा सकते हैं, एक लगाएंगे। सो उससे मेकअप करने से पहले हम स्किन को प्रिपेयर करेंगे। सो रोज एंड हनी मिस्ट का स्प्रे करेंगे पूरे फेस पे, इसको करने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इतनी देर में बात करेंगे। आपको चाय बनाना आती है? अच्छा, हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। फिर गोल्ड एंड पर्ल सीरम लगाएंगे हम हल्का सा, 2 ड्रॉप लेके फेस के पट तक ऐसे, और उसके बाद हम उसको हल्का सा फिंगर टिप की मदद से जब एसएल बेसिक के साथ करते हैं, जब आप ये सीरम लगाते हैं तो मेक श्योर करें बहुत सॉफ्टली आपने उसको ब्लेंड करना है स्किन पे। सो हमने सीरम लगा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि फाउंडेशन का सिलेक्शन सही होना चाहिए। जब आप फाउंडेशन का सिलेक्शन सही करते हैं तो आप फाउंडेशन कम लगाते हैं, जब फाउंडेशन कम लगता है तो लाइनें नहीं पड़ती, ठीक है। तो हमने नंबर 12 लिया है और हमने हल्का सा 1 पंप किया, 2 पंप किया और हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पे अंडर आए आप देख सकते हैं, हल्का सा मैंने इस अंडर आई पे किया, हल्का सा इधर किया, हल्का सा फोरहेड के ऊपर किया। अच्छा, मैंने पूरे फेस पे अभी नहीं लगाया है, हल्का सा चिन पे किया, हल्का सा नेक के सेंटर पे किया लाइक दिस, और हल्का सा अपर लिप पे किया और हल्का सा नाक के टिप पे किया और सेंटर में। उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा हम लाइटर फाउंडेशन नंबर 9 लेंगे, उसके बाद नंबर 9 को भी हमने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हमने पूरे फेस के ऊपर लाइक दिस ब्लेंडिंग, सी टैप 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 टैप, देखो नॉक नॉक नॉक, तो टैप 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 टैप, इस तरीके से हम टैप करेंगे। अच्छा, मेक श्योर करें कि लगाते वक्त उतना ही प्रोडक्ट लगाएं जितनी आपको जरूरत है, सी। तो हमने ये बेस कर लिया, अब आंखों के ऊपर भी हल्का सा लगाएंगे, अंडर आई भी कर दिया, अब उसको हम कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से ऑफ कोर्स हम उसको ब्लॉक करेंगे, हम उसको पाउडर लगा के उसको सील करेंगे ताकि हमारी बेस अच्छी बन जाए। अच्छा, पाउडर भले ज्यादा लग जाए क्योंकि पाउडर तो उड़ जाता है, सी। सो हमारी ये बेस कंप्लीट हो गई, अब हम उसी कॉम्पैक्ट पाउडर को बड़े ब्रश के साथ लगाएंगे, अंडर आई लगाएंगे और हल्का सा चिन पे लगाएंगे। तो आप शहजीन आप देख सकती हैं आपकी बेस कंप्लीट हो गई है। और ज़रूर फीडबैक दें, कमेंट्स करें, जो सवाल पूछना चाहते हैं, जिसको जो सीखना है वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और नंबर हमारे पास इसका 9 नंबर है, 6 नंबर है, 12 नंबर है, 3 नंबर है और इसका नंबर 13 है, सबसे डार्कर 16 है। सो आप उसको एज अ कॉन्टोर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं 16 नंबर लूँगा लाइक दिस, सी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। सो हम 16 नंबर के साथ कॉन्टोर करें, बहुत नेचुरल सा कॉन्टोर हो जाएगा क्योंकि शहजीन को बहुत ज़्यादा कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का सा करेंगे, सी हमने कॉन्टोर कर दिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम 2 कहानी का है और हम इसमें से एक मैट फिनिश बेज कलर लेंगे, बेज कलर हमने लिया और हमने सॉकेट लाइन पे लगाया लाइक दिस, दूसरी आंख पे भी हमने इसी तरीके से लगाया सॉकेट लाइन पे लाइक दिस। अभी हम डेप्थ नहीं क्रिएट कर रहे, उसके बाद हमने ड्राई ब्रश के साथ
उसको ब्लेंड कर लिया लाइक दिस। जितना अच्छा ड्राई ब्रश के साथ ब्लेंड होता है और स्मूथ हो जाता है, पता नहीं चलता है कि कलर कहां से शुरू हुआ है कहां खत्म हुआ है। सी हमने दोनों सॉकेट लाइन क्रिएट कर दिया है। उसके बाद हमने वॉल्यूम टू में से डल गोल्ड सा एक शेडो है ये हमने लिया, फिंगर टिप की मदद से हमने लिड पे लगाया। आंख खोलेंगे, नीचे देखेंगे, लिड पे लगाया। पहले हमने ड्राई सूखी हुई उंगली के साथ लगाना है, फिर उसके बाद फिंगर को हल्का सा गीला करके उसको प्रेस करना है ताकि एक चमक आ जाए शेडो में। एज यू कैन सी एक बहुत सटन सा स्लीक सा लुक आ जाएगा। दूसरी आंख पे भी इस तरीके से लगाया ड्राई, फिर फिंगर टिप को हमने गीला किया और हमने उसको इस तरीके से ब्लेंड कर लिया। एज यू कैन सी ठीक है। तो क्या होता है जब आप फिंगर के साथ गीला करके लगाते हैं तो एक शाइन एनहेंस हो जाती है। सो आपको बहुत ज़्यादा उलझनों में पड़ने की ज़रूरत नहीं कि हम इसके बाद डिस्को लगाएंगे या ग्लिटर लगाएंगे या ये पिगमेंट डालेंगे वो पिगमेंट डालेंगे। सिर्फ आपको वॉल्यूम टू जो है कहानी का उसमें आपको आराम से सारे कलर मिल जाएंगे। उसके बाद हमने अपना ब्रश लिया, ये मेरे फेवरेट ब्रशेज हैं, और उसके बाद मैंने वॉल्यूम वन में से डार्क ब्राउन, ये मेरा फेवरेट कलर है बाय द वे, और देखिए अंडर आई हल्का सा मैंने फैला दिया लाइक दिस। बड़े ब्रश की मदद से मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। अगेन जो मेकअप के पार्टिकल्स गिर गए उसको बड़े ब्रश की मदद से हटा लें लाइक दिस, और फिर दोबारा से हमने डार्क ब्राउन शेडो लिया और अंडर आई पूरी आंख के नीचे इस तरीके से लगाया और बाहर की तरफ फैला दिया, और हल्का हल्का सा हमने सी। सो हमारा ऑलमोस्ट हाफ आई मेकअप कंप्लीट हो गया। माय फेवरेट पार्ट आईब्रो पैलेट, आईब्रो बनाएंगे। एक थिक ब्रश के साथ मैंने ये कलर लिया, और शेज़ीन की आईब्रो वैसे भी थोड़ी सी डार्क है तो हमने सिर्फ जो पाउडर लग गया उसको हटाना है। दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से करेंगे अगेन। अच्छा उसके बाद फिर से हम रोज एंड हनी मिस्ट का स्प्रे करेंगे ताकि मेकअप थोड़ा सा सेट हो और जरा ग्लो आए स्किन पे। आंखें बंद करें, प्रीमियम मिल रहा है तो थोड़ा अपने ऊपर भी आप कर लें, ज्यादा लगाएं, एंजॉय करें, क्योंकि ये मेरे पास आता है और ये इतनी तेजी से ख़त्म होता है क्योंकि मैं अपने पर्सनल यूज के लिए भी रखता हूँ। और जो लड़के आउटडोर जाते हैं धूप में काम करते हैं ये करते हैं, तो ये प्लीज़ अपने साथ रखें, अपनी स्किन के ऊपर लगाएं, अपनी स्किन की केयर बहुत ज़रूरी है। लड़के लड़कियाँ जो भी हैं सब करेंगे। ओके सो हमने ये स्प्रे कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्टोरिंग करना है। अच्छा कॉन्टोर की इतनी ज़रूरत नहीं है ट्रस्ट मी, लेकिन फिर भी क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो ये खाली कैनवस की तरह हो जाते हैं, तो हमें चीज़ें एनहेंस करने के लिए हल्का सा एक कलर यहाँ दिया और हल्का सा चिन पे दिया, हल्का सा कलर हमने यहाँ दिया, हल्का सा चिन पे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, बड़े ब्रश की मदद से वॉल्यूम वन के अंदर एक पिंक कलर बहुत प्यारा सा है, तो मैं इसको एज अ आई शेडो पैलेट में से मैं इसको एज अ ब्लशर यूज कर रहा हूँ। ये बहुत प्यारा पिंक, अच्छा दिस इज टू ब्राइट, तो इसके अंदर हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर मिक्स करें, कॉम्पैक्ट पाउडर मिक्स करें और स्माइल करें। सी हल्का सा कलर ऐड हो जाएगा पिंक लाइक दिस, हल्का सा नाक पे, नाक वैसे ही बहुत इनका शार्प है तो हम बहुत ज्यादा नाक पे कंटूर नहीं करेंगे, सिर्फ हाइलाइटर की मदद से इनका सेंटर में हल्का सा लगाएंगे कलर ताकि लिफ्ट मिल जाए, ठीक है। और हल्का सा हम हाइलाइटर की मदद से फैन ब्रश की मदद से हम थोड़ा सा इस चीक पे करेंगे, थोड़ा सा हम राइट पे करेंगे एज यू कैन सी। उसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा, दूसरी आंख पे भी मस्कारा लगाएंगे इसी तरीके से, और हल्का सा मैं वॉल्यूम वन में से डार्क ब्राउन शेडो लेके हल्का सा मैं सिर्फ आंखों में नीचे देखें हल्का सा क्रीज पे ऐसे दूंगा ताकि
मोर डेफिनेशन आंख पे मिल जाए, हल्का सा, वेरी सॉफ्टली लाइक दिस. सी ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट हो गया, लेकिन बगैर लाइनर के, क्योंकि लाइनर तो हर किसी को चाहिए होता है. सो दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग. सिर्फ लाइनर की लाइन में कॉर्नर में लगाऊंगा, सिर्फ इस जगह पे, एंड पे, पूरी नहीं, हल्का सा. सी आप देखिए सिर्फ इतना सा, ताकि आपकी आई लाइन जो है इनहेंस हो जाए. हल्का सा इसको एनहेंस कर लें, उसके बाद उसी छोटे ब्रश के साथ उसको हल्का सा लाइक दिस, ताकि आंख थोड़ी सी लंबी लगे. सो अगेन इसे देखिए, लाइन को हल्का सा मैंने ओके. सो हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया, हमारा पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया. अब हम लिपस्टिक लगाएंगे. यस, हम हल्का सा लिप कलर लगाए, हल्का सा शेप बढ़ाया ताकि खूबसूरती और इजाफा हो जाए. सो हमारा आज का ये मेकअप हो गया है. एज कैन सी हमने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लगाया है, बहुत कम फाउंडेशन लगाई है, क्योंकि फाउंडेशन का सिलेक्शन सही था. अच्छा, बेस्ट बात यह है इस फाउंडेशन की, ये लाइट वेट फाउंडेशन है, लेकिन आपको ये फुल कवरेज दे देता है. तो आप ट्राई करें और फीडबैक दीजिए, और आज का हमारा लुक देखिए.